बिगड़े हुए बच्चों को तुम और बिगाड़ दोगे तो नामकूल बन। बट ये जो कहानी है, ये कहानी मयंक और पीयूष की है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इनकी जो जर्नी है, कैसे दे वांट टू बी हर्ड, दे वांट टू बी सीन। मेरे किरदार का नाम मयंक है, वो लखनऊ में ही पला बड़ा है। उसके पापा को उसकी मम्मी छोड़ के चली गई थी। नामकूल एक शो है जो अमेज़न मिनी टीवी पे स्ट्रीम कर रहा है फॉर फ्री। इट्स अ शो अबाउट, आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स, द पीपल ऑफ लखनऊ एंड इन पर्टिकुलर अबाउट मयंक, पीयूष, रूबिया, मिंटी, अ ग्रुप ऑफ दीज पीपल हु आर इन देयर ओन वे वेरी नामकूल एंड हु आर इन देयर ओन वे ट्राइंग टू कोशिश कर रहे हैं कि नेविगेट कर सके जिंदगी से इन देयर ओन वे, बट दे ऑल हैव देयर ओन, यू नो, हाउ डू यू से इट, देयर ओन मेजेस टू सॉल्व इन देयर ब्रेन। तो जैसे अगर रूबिया हैं, तो अगर आप ट्रेलर देखेंगे तो आपको लगेगा रूबिया एक बहुत ही खूबसूरत, वो हैं ही, बट बहुत ही खूबसूरत एक टीचर हैं शायद, आपको ऐसा अजम्पशन आएगा, बट इन बट व्हेन यू वॉच द शो यू विल नो दैट शी इज एवरीथिंग, डेंजरस। या सिमिलरली विद अस, यू विल थिंक वी आर कूल, वी आर नॉट, एंड या इट्स जस्ट अबाउट दीज बॉयज, दीज पीपल एंड अस नेविगेटिंग थ्रू लखनऊ एंड ट्राइंग टू बी people. I think we are an ensemble cast. हम तो मतलब चाहे रूबिया हो चाहे बाकी लोग हो, बट ये जो कहानी है, ये कहानी मयंक और पीयूष की है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड ये जो दो लड़के हैं, इनका ब्रोमांस, इनकी जर्नी, इनकी फ्रेंडशिप, आई थिंक आई लाइक टू कॉल इट ब्रोमेडी, like because there is romance, there's comedy, and then inki jo journey hai, kaise they want to be heard, they want to be seen, inko kaise recognition chahiye zindagi mein, kyunki inko koi seriously nahi leta hai. तो वो जो कॉलेज गोइंग ब्यूटिफुल कॉमेडी रोमांस एंड वो एक रिकग्निशन जो दो लड़कों को चाहिए, इन लोगों की जर्नी है, कैसे ये प्यार में पड़ते हैं और कैसे ये लोग इनकी रिस्पेक्टिव लड़कियों से मिलते हैं और कैसे फिर जर्नी आगे बढ़ती है, वो कहानी है, जहाँ पर कहानी का एक पात्र मैं भी हूँ, रूबिया। तो लेकिन जो एक ब्यूटिफुल कहानी है वो इन दोनों की है और इन्होंने बखूबी निभाई है बहुत अच्छे से। सो दैट्स व्हाट इट इज़ अबाउट एंड ऑफ कोर्स इन द एंड देयर इज मिस्ट्री, देयर इज मर्डर, देयर इज अ लॉट। मेरे किरदार का नाम मयंक है, वो लखनऊ में ही पला बड़ा है, वो उसके पिताजी, दादाजी, परदादाजी सब लोगों ने कट्टा और कट्टो को एक्सपीरियंस किया है, उसने कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया, बट वो बनना चाहता है उनके जैसा। तो दिस जर्नी इज़ अबाउट कैसे वो उनके जैसा बन पाए, इवन दो वो है नहीं। यू नो व्हेन यू, जब तुम इतनी कोशिश करते हो टू बी समबडी हु यू फील विल बी रिस्पेक्टेड, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ अगर मैं ऐसा बनूंगा ना तो सब ठीक हो जाएगा, तो आई थिंक मयंक का वही है कि उसको बस ऐसा बनना है, क्या है वो ऐसा उसको पता नहीं, बट उसको ऐसा कुछ बनना है। सो दैट्स द जर्नी एंड देन ऑफ कोर्स वो उसकी लाइफ में, इनकी लाइफ में कुछ लोग आ जाते हैं जो चीज़ें बिगाड़ देते हैं, फिर अब बिगड़े हुए बच्चों को तुम और बिगाड़ दोगे तो नामकूल बन जाएंगे। पीयूष मेरे कैरेक्टर का नाम है एंड उसकी मम्मी उसके पापा को उसकी मम्मी छोड़ के चली गई थी। एंड आई थिंक वहीं से उसका वो फीलिंग स्टार्ट है कि अगर मैंने कुछ किया नहीं तो मेरी बीवी, मेरी बंदी भी शायद भाग जाए मेरे को छोड़ के। सो उस थॉट के साथ वो मयंक के साथ भी शायद उसने दोस्ती इसलिए करी थी कि उसको दिखता होगा भाई ये मेरा कुछ कर सकता है, इसकी बॉडी वॉडी है, ये करेगा वहां पे, इसके पास थोड़ा सा है एटीट्यूड वगैरह, बट खुद वो थोड़ा पढ़ाकू तो नहीं कहूंगा, बट वो थोड़ा सा उस तरीके से है कि हाँ पढ़ता लिखता है, थोड़ा जानना चाहता है, थोड़ा काइंड है, सॉफ्ट है, थोड़ा सा मतलब गुलाब और गंद में से अगर आप कुछ उसको दोगे तो वो शायद गुलाब उठाएगा, ये शायद गन ही उठाएगा पहले पहले, बट दोनों एक्सचेंज ऑफर भी चाहते हैं, बट उसके उसकी गन से गुलाब ही निकले। हाँ ऐसा ही है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अब मेरे रोज से करने के लिए भाई चल तो हाँ। एंड कॉलेज में ही दोनों साथ जाते हैं, दोनों की अपनी ट्रेजेक्ट्री चलती है, देखते हैं कैसे कैसे चेंज होता है, एंड यही है कैरेक्टर।